सीआरपीसी चल रहा था और सीआरपीसी में धारा आपका ये 353 भाई बता गया, एक क्वेश्चन उसमें अभी बचा रह गया है आपका। एक दो लोगों ने कहा कि एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो फिर एक बार भाई 353 निकाल लीजिए और 353 में एक तो हेडिंग याद रखना है कि आपका जजमेंट या निर्णय के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपका दो तीन क्वेश्चन आपका बनता है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा। पहला क्वेश्चन तो सामान्य नियम ये है कि जैसे ही हियरिंग पूरी हो, विचारण या ट्रायल पूरा हो, तुरंत सुनाइए। अगर तुरंत नहीं सुनाया जाता तो बाद में सुनाया जाएगा, जिसकी सूचना आपका मुकदमे के पक्षकारों को या उनके अधिवक्ताओं को दी जाएगी। इसके बाद आपका तुरंत जो खंड पढ़ना है, आपका जो पढ़ना है सातवां खंड पढ़ना है, तुरंत आप सातवां खंड पढ़िएगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन ये बना है कि अगर पक्षकारों को निर्णय सुनाने की सूचना में गलती हो गई है या सूचना दी गई लेकिन पक्षकार हाजिर ही नहीं हुए और पक्षकार अधिवक्ता या अभियुक्त के गैर हाजिरी में निर्णय न्यायालय ने सुना दिया है, तो ये निर्णय मान्य होगा कि अमान्य होगा, यानी कि आपका वैध होगा कि अवैध होगा, या ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी कि नहीं करेगी। तो खंड 7-7 भी पूछा गया है, ये गलती कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी, यानी कि अगर अभियुक्त हाजिर नहीं है कोर्ट में और आपका फैसला उसके सुना दिया गया, तो ये फैसला गलती तो हुई लेकिन ये गलती क्षम्य है, यानी कि आपका इस गलती का निर्णय पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एविडेंस में भी आपका सुबह गलतियां बताई गई, दो प्रकार की गलती होती है आपका दस्तावेज में। आपका त्रुटि एक प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या पेटेंट और दूसरा लेटेंट। तो प्रत्यक्ष गलती है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, और अप्रत्यक्ष है, अंतर्निहित है, लेटेंट है या समाहित गलती है, उसको सुधारा जा सकता है। फिर आगे बढ़िए, निर्णय कैसे सुनाया जाएगा ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तीन तरीका है निर्णय सुनाने का, या तो निर्णय देकर, या संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुना दिया जाए, या तीसरा आपका है कि प्रवर्तनशील भाग पढ़कर सुना दिया जाए, समझा दिया जाए। फिर आपका पूछा गया है कि कब निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर जज द्वारा या पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है और कब केवल अंत में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर निर्णय वह क्लर्क से लिखवाया है तब तो भाई प्रत्येक पृष्ठ पर जज साहब या मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, साइन, और स्वयं लिखे हैं तो लास्ट में। इसके बाद आपका निर्णय सुनाने के लिए अभियुक्त को बुलाया जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कब अभियुक्त की उपस्थिति निर्णय सुनाते समय आवश्यक नहीं है। तो कम से कम दो पॉइंट याद रखिए, यदि विचारण के दौरान अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी गई हो और निर्णय केवल जुर्माने का हो, ये पहला कंडीशन, और दूसरा यदि निर्णय दोष मुक्ति का हो, बाइज्जत बरी करने का हो, तो अभियुक्त की हाजिरी निर्णय सुनाते समय आवश्यक नहीं है, ये याद रहना। इसमें एक पॉइंट आपका छूटा था, अगर कई अभियुक्त हैं, मान लीजिए पांच अभियुक्त थे, पांचों के खिलाफ निर्णय सुनाना है, उसमें तीन हाजिर हैं और दो गैर हाजिर हैं, और पांचों के खिलाफ निर्णय सुनाया गया, तो क्या यह निर्णय वैध होगा कि अवैध? वैध होगा। और इसी में आपका
कह सकते हैं, परंतु में दिया गया है खंड छः के, यानी कि पांच मान लीजिए अभियुक्त थे, चार हाजिर थे, एक गैर हाजिर था, पांचों के खिलाफ निर्णय सुना दिया गया, तो क्या एक की गैर हाजिरी का प्रभाव क्या होगा? निर्णय वैध होगा कि अवैध होगा? वैध होगा, अवैध नहीं होगा। एक दो लोग ये क्वेश्चन उठाए थे कल, बताना आदमी भूल गया था वो अलग बात है, लेकिन आज बता दे रहा है। इसके बाद आपका कह सकते हैं, आइए 354, इधर की धाराएं जो तीन चार धाराएं हैं समय लेती हैं भाई, आपका 354 समय लेगा, आपका 357, 360 समय लेगा, 354 अति महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान किया गया है वह आपका कई प्रावधान है। आपका एक तो जजमेंट की लैंग्वेज क्या होगी, यानी कि किस भाषा में निर्णय सुनाया जाएगा और निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा, ये आपको जानना है। तीन चार पहले नियमों को जानिए, क्या क्या पूछा जाता है, तब खंड वाइज यहाँ याद करिएगा। मैं फिर बता दूँ, 353 और 354 में आपको क्लाज वाइज भी याद करना पड़ेगा, लेकिन इसकी भूमिका हम बता देते हैं। कल भूमिका बांधी भी गई थी, निर्णय की भाषा यानी कि न्यायालय किस लैंग्वेज में फैसला सुनाएगा, पहला नियम, और दूसरा नियम आपका ये आया कि निर्णय की अंतर्वस्तु यानी कि आपका जो निर्णय होगा उसके अंदर, आप थोड़ा उधर और हो जाए हो कि हाँ बस बस रुकिए, निर्णय जो होगा उसके अंदर क्या लिखा जाएगा आपका ये बताया गया है। तीन चार पॉइंट जरूर याद रखिएगा, अभी हम केस भी इस पर आपका दो तीन बताना पड़ेगा। आपका पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो निर्णय होगा वह न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, और न्यायालय की भाषा हम कोरिलेट करेंगे, कल परसों बताया गया था 372 में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा, अभी हम बताएंगे। अंतर्वस्तु जब पढ़िएगा तो निर्णय में क्या क्या लिखा जाएगा अंदर, ये हम बताएंगे। फिर आपका निर्णय का रीजन देना पड़ेगा, यानी कि आप ये निर्णय क्यों दिए, इसका बेस बताइए, कारण बताइए। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि कब निर्णय का सामान्य कारण देना है और कब निर्णय का विशेष कारण देना है। तो अगर निर्णय मृत्युदंड का है तो स्पेशल रीजन लिखा जाएगा, और अन्य है तो केवल कारण। फिर क्वेश्चन अच्छा बनता है कि कब निर्णय का कारण देना आवश्यक नहीं है, जब ये हम पढ़ाएंगे तो 353 में हमने जब बताया कि कब अभियुक्त की उपस्थिति निर्णय सुनाते समय आवश्यक नहीं है उसको ध्यान में रखेंगे, और तब कब कारण बताना आवश्यक नहीं है ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ नेचुरल जस्टिस भी हल्का सा होगा, अगर निर्णय डेथ सेंटेंस का है, मृत्युदंड का है, तो निर्णय में यह अभिलिखित किया जाएगा, लिखा जाएगा, निर्णय यह डायरेक्शन देगा कि इस अभियुक्त को या इस व्यक्ति को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी डेथ न हो जाए, यानी कि आपका ये कहाँ लिखा गया है, क्लाज वाइज उत्तराखंड में बना भी था, क्लाज वाइज पूछता है, तो एक एक करके शुरू किया जाए। आपका 354 का भाई खंड वाइज पढ़िएगा, मैं फिर बता दूं, एक एक खंडों पर गौर करिएगा अगर आप चाहते हैं कि गलती न हो। एक एक देखिए आपका शुरू किया जाए, निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु, पहला खंड हम शुरू कर रहे हैं। इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय सेक्शन 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर सीआरपीसी में कहीं विपरीत बात लिखी गई है तब क्लाज वन वहाँ अप्लाई नहीं होगा, और अगर क्लाज वन के विपरीत बात नहीं लिखी गई है तो जब भी आपराधिक न्यायालय निर्णय सुनाएगा तो क्लाज वन का क्या करेगा? पालन। तो अगर छूट दे दी गई हो ठीक, नहीं तो वन का, खंड वन का क्या करना पड़ेगा? पालन। तो खंड वन में क्या क्या है देखिए, एक लाइन। पहला तो जो निर्णय होगा वह न्यायालय की भाषा में होगा, कोर्ट के लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ भी आपका अलग से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन आपका ये बन चुका है, आपका जो क्वेश्चन बना है वह ये बना है कि न्यायालय की भाषा सीआरपीसी की किस धारा में दी गई है? तो 272। किस न्यायालय की भाषा का प्रावधान है? सबार्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालय की। और अधीनस्थ न्यायालय की भाषा कौन होगी, इसका निर्धारण कौन करती है? ये भी पूछा जा चुका है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। फिर एमपी ने बनाया कि आपराधिक मामलों में सबार्डिनेट कोर्ट कहाँ से शुरू होता है? कोर्ट ऑफ सेशन से, यानी कि सत्र न्यायालय से। तो आपका जो 272 में लैंग्वेज की बात आप लिखना चाहें कोरिलेट कर सकते हैं बेयर एक्ट पर भी, वही सबसे अच्छा तरीका है कि बेयर एक्ट पर भी कोरिलेट कर सकते हैं। 272 आपका पहला आया। दूसरा देखिए, अब निर्णय में निर्णय की अंतर वस्तु अर्थात निर्णय में क्या रहेगा? तो अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न का विनिश्चय और विनिश्चय का कारण। यानी कि इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आता है, इसको हम सीपीसी में भी देखेंगे। आपका निर्णय में कितनी बातें लिखी जाएंगी? तो सामान्यतः निर्णय की जो अंतर वस्तु होगी वह 3 बातें होंगी। पहली बात हो गई अवधारण के लिए प्रश्न, न समझ में आए तो लिख लीजिए फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। भाई अवधारण के लिए प्रश्न का मतलब कि किस प्रश्न पर आपका न्यायालय में डिस्प्यूट था, यानी कि इसका मतलब विवादक तथ्य हुआ, फैक्ट इन इश्यू हुआ। फैक्ट इन इश्यू की परिभाषा सीआरपीसी नहीं देगी, आपका एविडेंस देगा। देखिए फिर एक बार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जब एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा पक्षकार डिनाई करे, तो फिर याद रखिए अभियोजन कह रहा है कि इसी अभियुक्त ने ये चोरी की है, और अभियुक्त कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं की। तो अभियोजन मांग कर रहा है कि इसे चोरी के लिए क्या किया जाए, दंडित। अभियुक्त उससे डिनाई कर रहा है। तो यही पहला विवादक तथ्य क्या निकला कि क्या ए ने चोरी किया कि नहीं। तो निर्णय में विवादक तथ्य लिखा जाएगा, यानी कि आपका सीआरपीसी में जो विवादक तथ्य होता है अलग से पूछा जाता है, जो अभियुक्त पर चार्ज लगाता है न्यायालय, आरोप लगाता है, वही सीआरपीसी में विवादक तथ्य होता है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सीआरपीसी में विवादक तथ्य कौन होता है? जो आपका न्यायालय अभियुक्त पर क्या लगाता है? आरोप। आरोप के बारे में विस्तृत प्रावधान किस धारा से किस धारा तक? 211 से लेकर 224 तक। आरोप की अंतर वस्तु कल एड करवाई गई किस धारा में दिया गया है? 211 में। रटना है इसको, किस धारा में आरोप की अंतर वस्तु? 211। फिर बैक होइए भाई, अभी इसको सिविल मामलों से अच्छा कोरिलेट होगा और कारण भी देखिए। तो पहला निर्णय में, ये निर्णय की अंतर वस्तु शुद्ध रूप से है जो अब चल रही है, यही निर्णय की क्या है? अंतर वस्तु।
तो निर्णय में क्या लिखा जाएगा? विवादक तथ्य यानी कि किस मुद्दे पर न्यायालय में अभियोजन और अभियुक्त के बीच विवाद था, तो जो न्यायालय इल्जाम लगाता है वही आपराधिक मामलों में क्या होता है? विवादक। यानी कि किन किन धाराओं का इल्जाम अभियुक्त पर लगाया गया था वो लिखा जाएगा। उसके बाद उन इल्जामों पर विनिश्चय क्या आया, यानी कि मान लीजिए चोरी का इल्जाम लगाया गया तो चोरी के इल्जाम पर न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया, क्या डिसीजन दिया, क्या जजमेंट दिया, ये लिखा जाएगा। और चोरी के इल्जाम पर जो जजमेंट न्यायालय ने दिया है उसका कारण क्या है, अर्थात रीजन क्या है, यानी कि क्यों आप अभियुक्त को चोरी के लिए दंडित कर रहे हैं, वो कारण या रीजन भी लिखिए। तो फिर एक बार याद रखिए, तो निर्णय में क्या क्या लिखा जाएगा, अवधारण के लिए प्रश्न यानी कि विवादक तथ्य यानी कि कौन कौन से अपराध का आरोप लगा था, उन अपराधों में उन आरोपों पर क्या विनिश्चय आया, और अंत में विनिश्चय का क्या रहेगा कारण। तो मान लीजिए एक अभियुक्त पर 380 का आरोप लगा, घर में चोरी, 300 मान लीजिए 25 का आरोप लगा आपका रिश्ती का, तो निर्णय में ये लिखा जाएगा आपका कि इन पर घर में चोरी और रिश्ती का इल्जाम लगाया गया था, इस पर फैसला लिखा जाएगा क्या अभियुक्त को चोरी और रिश्ती के लिए दोष मुक्त किया गया है कि दोष सिद्ध किया गया है, और न्यायालय क्यों दोष मुक्त किया है, अंत में उसका क्या लिखना पड़ेगा कारण। यही आपका पूछा जाता है। पहला जो टेक्निकल आपका क्वेश्चन आएगा कि कब न्यायालय द्वारा निर्णय का रीजन लिखना आवश्यक नहीं है, आगे हम बताएंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए। लेकिन कारण पर फिर एक बार चर्चा किया जाए। कारण से निर्णय में अस्पष्टता आती है, निर्णय में और उभार आता है, जैसे कि चेहरा थोड़ा कुरूप हो और तेल पाउडर और क्रीम लगा लिए तो चेहरे में थोड़ा क्या आ जाता है, उभार। उसी प्रकार कारण से निर्णय में उभार आता है, निर्णय में अस्पष्टता आती है, आपने क्यों ऐसा किया उसका रीजन बताइए, यानी कि आपने क्यों ऐसा किया उसका कारण बताइए। कारण प्राकृतिक न्याय है, कारण बताना सामान्यतः अनिवार्य है, लेकिन लोक हित में कारण बताने से क्या किया जा सकता है इनकार। ये प्राकृतिक न्याय का तीसरा नियम है। पहला नियम है आडी अल्ट्रम पर्टम, दूसरा है रूल अगेंस्ट बायस, और तीसरा रीजन डिसीजन, यानी कि आपका प्रशासनिक विधि में जब बिहार के लिए पढ़ाया जाएगा तो वहाँ काफ़ी डिटेल में कारण बताया जाता है। तीन बातें याद रखिए, निर्णय की अंतर वस्तु हो गई, अवधार्य प्रश्न, उन प्रश्नों पर विनिश्चय, और विनिश्चय का क्या कारण। आगे देखिए, तीसरी देखिए, वह अपराध यदि कोई हो जिसके लिए और आईपीसी की वह आईपीसी या अन्य विध की वह धारा जिसके अधीन अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया है और वह दंड जिसके लिए वह दंडादिष्ट है विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किस अपराध अगर अभियुक्त कन्विक्ट या दोष सिद्ध किया जाता है तो किस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा वह लिखा जाएगा। तो मान लीजिए दो इल्जाम लगाया गया था और केवल घर में चोरी के लिए अपराध साबित हुआ, तो पहले तो ये लिखा जाएगा कि घर में चोरी के लिए आप पर अपराध क्या हो चुका है साबित, पहला। इसके बाद आपका आईपीसी या अन्य विधि की वह धारा लिखी जाएगी, तो घर में चोरी के लिए
दंड की धारा में है तो धारा लिख लीजिए कि आईपीसी 1860 का अधिनियम संख्या 45 की धारा 380, धारा लिख लीजिए। उसके बाद आपका दंड कितना दिया गया, तो आपका 380 में 7 साल हैं, लेकिन जो दंड वास्तव में दिया जाएगा वह लिखा जाएगा, इस जुर्म में आपको मैं 3 साल की सजा देता हूँ और 5,000 रुपया क्या लगाता हूँ, जुर्माना। तो भाई दंड की मात्रा लिख दी गई। अगला देखिए आपका डी, यदि निर्णय दोष मुक्ति का है यानी कि एक्विटल का है, बाइज्जत बरी का है, तो किन अपराधों में किन धाराओं के तहत बाइज्जत बरी किया गया, वह धाराएं लिखी जाएंगी, यानी कि अभियोजन ने उन धाराओं में दिए गए अपराधों को कोर्ट में साबित नहीं कर पाया अभियोजन। तो मान लीजिए रिष्टि चोरी का आरोप लगा था, चोरी का अपराध साबित हो गया और रिष्टि का अपराध साबित नहीं हुआ, तो चोरी के लिए दोष सिद्धि की जाएगी और रिष्टि के लिए क्या किया जाएगा, दोष मुक्ति। लेकिन वह किस अपराध के लिए बाइज्जत बरी किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से निर्णय में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अगला देखिए, दूसरा खंड देखिए, जब दोष सिद्धि आईपीसी के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की दो धाराओं में से किसके इसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों में से इसके अधीन आता है, तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पतः निर्णय देगा। अनुकल्पतः मतलब अल्टरनेटिव। तो अगला क्वेश्चन आपका खंड दो से ये बना है कि क्या न्यायालय अल्टरनेटिव या अनुकल्पतः निर्णय दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। इसको जब भी पढ़िएगा तो आईपीसी की एक धारा कम से कम कोरिलेट करिएगा, 72 करिएगा, यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा, 72, पहले 72 देखिए आईपीसी की, तब आपका खंड दो देखना है। बहुत महत्वपूर्ण ये सेक्शन चल रहा है, मैं बता दूं, एक एक शब्दों पर गौर करिए कोरिलेट करके। अभी तमाम क्वेश्चन आएंगे जो लगातार कंपटीशन में बनते रहते हैं, इसको जब पढ़िएगा खंड दो को तो कहाँ से कोरिलेट करेंगे, आपका आईपीसी की धारा 72 से, और एक हम सिविल मामला कोरिलेट करेंगे और सिविल मामलों में आपका संविदा अधिनियम की धारा 58 से कोरिलेट करेंगे, कौन सी धारा, 58। तो पहले आईपीसी 72 देखिए, अगर अभियुक्त का अपराध न्यायालय में साबित हो जाता है लेकिन यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया, तो 72 कहते हैं कि संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा और उस अपराध के लिए अभियुक्त को सजा दी जाएगी जिसमें दंड क्या हो, ज़्यादा हो कि कम हो, कम हो, जिसमें दंड क्या हो, कम हो कि ज़्यादा हो, कम हो, ये कौन सी धारा है, 72। यानी कि आपका दूसरा अल्टरनेटिव पर आ जाइए, अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा वैध हो और एक शाखा अवैध हो, संविदा अधिनियम की धारा 58 से गवर्न होगी। ध्यान से देखिए, ए बी से कहता है कि हे बी, या तो मैं 100 किलो चावल दूंगा तुम्हें या 2 पुड़िया अफीम दूंगा और इसके बदले तुम 1,000 रुपया हमें दे देना, ये करार हुआ है। यहाँ प्रामिस जो हुआ है वह अल्टरनेटिव है, एक तो या तो चावल या अफीम, तो बताइए कौन किसके बारे में करार शून्य होगा और कौन करार प्रवर्तनीय होगा, तो अफीम के बारे में क्या शून्य, और जो वैध भाग है अनुकल्पी का चावल के बारे में करार क्या होगा, संविदा होगा, वैध होगा, प्रवर्तनीय होगा।
ये अल्टरनेटिव कहा जाता है भाई। अब थोड़ा प्लीडिंग में पूछा जाता है अल्टरनेटिव, क्या सिविल मामलों में अल्टरनेटिव प्लीडिंग की जा सकती है कि नहीं, वैकल्पिक अभिवचन किया जा सकता है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आइए, ए एक मकान पर अपना हक जमाता है, पहला ए ये कहता है कि ये मेरे पिताजी की मकान है, मैं उत्तराधिकारी हूँ, अतः मकान का हकदार मैं हूँ। तो बताइए पहला आधार क्या उठाया, उत्तराधिकारी। फिर कहता है या लगाता है, या का मतलब यह हुआ अनुकल्पी, या पिताजी मरते समय हमारे नाम से वसीयत लिखे थे, अतः वसीयत के आधार पर मैं इस मकान का क्या हूँ मालिक। तो बताइए या करके कितने आधार उठाया, दो। तो क्या वैकल्पिक अभिवचन किया जा सकता है कि नहीं, या तो इस आधार पर हमारे पक्ष में फैसला दीजिए, या इस आधार पर किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है सिविल मामलों में, प्लीडिंग में किया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अगला आइए, अब वैकल्पिक यहाँ देखिए सीआरपीसी के क्लार्क टू में भाई, यदि न्यायालय को संदेह हो कि दो अपराधों में से कौन सा अपराध अभियुक्त ने किया, या एक ही धारा के दो खंडों में से अभियुक्त का मामला किस खंड में आता है, तो न्यायालय वहाँ अल्टरनेटिव निर्णय सुना सकता है, या तो ये। एक उदाहरण देखिए, सबसे उत्तम उदाहरण आपका आपका चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग का मिलता है, क्योंकि दोनों में काफ़ी चीज़ें समान हैं, बेईमानी का आशय ही महत्वपूर्ण है। अगर संपत्ति किसी के कब्जे में थी और संपत्ति हटाते समय ही इरादा डिसऑनेस्टली था तो वह चोरी, और अगर संपत्ति हटाते समय इरादा गलत या बेईमानी का नहीं था, बाद में इरादा बेईमानी का हो गया, तब तो वह आपराधिक दुर्व। तो कोर्ट में ये साबित हो गया कि इरादा बेईमानी का था लेकिन तुरंत था कि बाद में, इस बारे में थोड़ा क्या हो गया, संदेह। तो अल्टरनेटिव निर्णय सुना दिया जाए, संदेह हो जाए, या तो चोरी या क्या, आपराधिक दुर्व भाई, अल्टरनेटिव मतलब है ना कि या तो चोरी या किसके लिए, आपराधिक दुर्विनियोग के लिए, यही अल्टरनेटिव निर्णय हो गया। अगला देखिए खंड तीन देखिए, जब दोष सिद्धि मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों को और मृत्यु के दंडादेश की दशा में दंडादेश के लिए विशेष कारणों का कथन होगा। इसका मतलब ये हुआ, दो पॉइंट बनाइए, अगर न्यायालय किसी अभियुक्त को डेथ सेंटेंस देता है यानी कि मृत्यु दंड देता है, तो मृत्यु दंड दिए जाने का स्पेशल रीजन लिखा जाएगा, विशेष कारण लिखा जाएगा, और अगर मृत्यु दंड न देकर आजीवन कारावास दिया या कुछ वर्षों के कारावास का दंड दिया है, तो विशेष कारण न लिखकर कैसा कारण लिखना पड़ता है, साधारण। तो बताइए कब स्पेशल रीजन लिखा जाएगा डेथ सेंटेंस में, और कब सामान्य कारण आपका अन्य कारावास में, भले ही वह आजीवन कारावास हो। यहाँ से पुराना इतिहास भी दो लाइन में पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो भी पढ़ना है, पहले ध्यान से समझिए। 1973 में जो ये नई सीआरपीसी बनी है, उसके पहले जो पुरानी सीआरपीसी 1898 वाली थी, उसमें क्या नियम था, उसमें नियम दूसरा था। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, देखिए, जहां अगर अपराध के लिए दंड
मृत्युदंड या आजीवन कारावास होता था। ऐसी कंडीशन में अगर न्यायालय मृत्युदंड देता था, यानी कि मृत्युदंड देना सामान्य बात थी और आजीवन कारावास अपवाद था। फिर एक बार समझिए इसको, क्योंकि इसको जोड़ा जाएगा, बच्चन सिंह के केस को जोड़ना है और लेकिन बच्चन सिंह के केस को जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले पुराना नियम पहले देखिए। आपका ICRPC 1898 में क्या था, फिर नया नियम, और नए नियम के बाद एक केस जोड़िएगा, कौन सा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज। फिर एक बार देखिए, अंग्रेजों ने जो CRPC बनाई थी उसमें सामान्य नियम ये था कि मृत्युदंड का प्रावधान किसी अपराध में है तो मृत्युदंड दिया जाएगा, और अगर आजीवन कारावास देते हैं तो कारण विशेष बताइए कि आपने फांसी की सजा न देकर क्यों आजीवन कारावास दिया। लेकिन जब हमने नई CRPC बनाया तो सामान्य नियम ये उलट दिया। सामान्य नियम है कि अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा है तो सामान्यतः कौन सी सजा दी जानी चाहिए, आजीवन कारावास, और मृत्युदंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, विरल से विरलतम, अपूर्व में अपूर्वतम, यानी कि क्रूर से क्रूरतम, अर्थात जहां क्रूरता की सारी सीमाएं क्या कर दी गई हैं पर वहां दिया जाना चाहिए। तो किस केस में कहा गया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में ही दिया जाना चाहिए, सामान्य मामलों में नहीं, तो किस केस में, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज। भाई ये कंसेप्ट बनाकर चलना, याद रखिए, मृत्युदंड के मामले में विशेष कारण और अन्य कारावास के मामले में केवल कारण। कारण बताया मैं कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, कारण से निर्णय में अस्पष्टता आती है, निखार आता है। कारण यह बताता है कि यह निष्कर्ष क्यों निकाला गया। देखिए आपका निश्चित तौर पर कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसी को बेस कहते हैं कि निर्णय का बेस क्या है। आगे देखिए भाई, खंड आपका 3 हुआ, चौथा देखिए, जब दोष सिद्धि 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए हैं, किंतु न्यायालय 3 मास से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है, तब वह ऐसे दंड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। फिर एक टेक्निकल क्वेश्चन आ गया कि अगर किसी अपराध में सजा 1 वर्ष या उससे अधिक थी और न्यायालय ने 3 महीने से क्या दिया है, कम की सजा। फिर एक बार समझिए अच्छे से, यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन। अगर किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा 1 साल नहीं, सजा 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक हो और आपका न्यायालय ने 3 माह से कम की सजा दी है, तब भी ये जरूरी है कि न्यायालय क्या लिखे, कारण लिखे। किमाड़ सटा दीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई है क्या बाहर, अरे लड़के हैं 5 मिनट तो खुराफात करेंगे। अब किमाड़ वैसे भाई ठंडी में सटा के पढ़ाया जाता था, ऊपर आपका लगा दिया जाता था वो, ताकि आवाज़ उधर से ना आए, तो थोड़ा मौसम सही होगा तो किमाड़ बंद रहती है, ये खुला रहता है खिड़की आपका, यानी कि जैसे कि मूलभूत ढांचा है कि आप संशोधन न करिए, कहीं भी संशोधन करिए, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन तो भाई थोड़ा बहुत आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, लेक्चर पर ध्यान देना है। फिर एक बार देखिए, लेकिन, अब लेकिन लगाना है आपका, यही आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है अगली लाइन का। उस दशा के सिवाय, जैसे ही सिवाय शब्द आया इसका मतलब ही हुआ कि निम्नलिखित 2 दशाओं में
निर्णय का कारण देना आवश्यक नहीं है। और इसको जोड़ लीजिएगा 353 से, देखिए क्या क्या पूछा जाता है। फिर एक बार हम 353 पहले बता रहे हैं, अभी इस पर ना आइएगा, लेकिन पर सिवाय पर ना आइए। सिवाय से लगातार आपका क्वेश्चन बनता है जो हम सिवाय पढ़ाएंगे, लेकिन पहले फिर एक बार 353 को कोरलेट करके पढ़ाया जाए और दो क्वेश्चन एक साथ तैयार करवाया जाए। देखिए, कब निर्णय सुनाते समय अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में आवश्यक नहीं है, तो रट कर जाइएगा। अगर निर्णय दोष मुक्ति का है, बाइज्जत बरी का, या अभियुक्त को विचारण के समय व्यक्तिगत या पर्सनल या स्वयं हाजिर होने से क्या दी गई हो छूट, और निर्णय केवल जुर्माने का हो, किसका हो, दंडादेश, जुर्माने का, तो अभियुक्त को हाजिर होना निर्णय के समय आवश्यक नहीं। अब उसी प्रकार सेम याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन, बहुत टेक्निकल बना है क्वेश्चन भाई। कब निर्णय का रीजन लिखना आवश्यक नहीं है, अब दो मॉडल हम बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए तो भाई, इसको अलग से लिखिए भले आप लोग पढ़े हो। कब कारण देना आवश्यक है ये हम बताएंगे, और दोनों एक साथ लिखिएगा, कब कारण देना आवश्यक नहीं है। तो पहले नहीं वाला बता दिया जाए, ध्यान समझिए। अगर यही क्वेश्चन आपका बार बार गलत होता है, लिख लेना चाहिए ताकि गलती न हो, कहीं भी आ जाए कि दो दशाओं में निर्णय का रीजन लिखना आवश्यक नहीं है, और वह पहली कंडीशन है अगर समरी ट्रायल किया गया है, यानी कि अगर आपका कैसा विचारण किया गया है, संक्षिप्त, यानी कि अगर संक्षिप्त विचारण अभियुक्त का किया गया है, और दंड बताइए तो कल परसों ही बताया गया कि संक्षिप्त विचारण में अधिकतम कितना से अधिक दंड नहीं होगा, 3 माह से अधिक, तो वही पॉइंट याद रखना है। फिर एक बार देखिए, यदि अभियुक्त का संक्षिप्त विचारण हुआ और जो दंडादेश दिया गया वह 3 माह से अधिक का न हो, दिया ही नहीं जा सकता, तो निर्णय का कारण लिखना आवश्यक है कि नहीं है, नहीं है, बना लीजिए। विचारण कैसा हुआ हो, संक्षिप्त, और दंड कितना दिया गया हो, 3 माह या उससे कम, तो क्या निर्णय का आपका कारण लिखना आवश्यक है कि नहीं, तो आवश्यक नहीं है। और दूसरा आपका, यदि दंड न्यायालय के उठने तक के लिए दिया गया हो, सेकंड लिखिए, यदि दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए दिया गया हो, फिर एक बार हम बता रहे हैं, बहुत बार गलती होती है इसमें, दोबारा हम बता रहे हैं अच्छे से, भले थोड़ा समय लग जाए क्योंकि आगे PCHA भी है, और आपका प्रयास करिए कि CRPC एविडेंस और IPC से तो एक भी गलती ना हो, कांटेक्ट इत्यादि से बचा है कुछ पढ़ा ही दिया जाएगा। यही टेक्निकल पॉइंट है जो आम जनता के बस की बात नहीं है, एक जगह एकत्र करना। देखिए फिर एक बार, कब निर्णय का कारण देना आवश्यक नहीं है, तो लास्ट लाइन बताती है कि अगर उस मामले का कैसा ट्रायल हुआ हो, समरी पहला, दूसरा आपका क्या है कि जब दंडादेश कितने तक के लिए दिया गया हो, न्यायालय के उठने तक के लिए, यानी कि जब तक न्यायिक कार्यवाही चल रही है तब तक यहीं खड़े रहो, यही तुम्हारे लिए दंड है, आपका यही दंड पर्याप्त है, न्याय कार्रवाई चल रही है तब तक के लिए क्या रहो, खड़े रहो, यही पर्याप्त, न्यायालय दंड दे सकता है कि 1 घंटा क्या रहो कटघरे में, खड़े रहो, न्यायालय के आदेश का पालन, जैसे यूपी में चल रहा है इस समय विवाद, आपका यूपी में जो सचिव साहब हैं उनको लेकर हंगामा चल रहा है, सरकार के अंदर हालात खराब हैं,
अधिकारी मंत्रियों की सुन ही नहीं रहे हैं, सब मंत्री बौखलाए हुए हैं, उप मुख्यमंत्री से सभी मंत्री, और भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंट्रोल थोड़ा कम हो गया है। तो आपका तो हाई कोर्ट ने बुलाया है अवमानने में, दूसरे मामले में, और पूछा है कि क्यों ना आपको अवमानना के लिए दंडित किया जाए। तो हाई कोर्ट चाहे तो कह सकता है 1 घंटा खड़े रहो, सचिव हो तो क्या हुआ, यही तुम्हारे लिए दंड है, हमारे आदेश का पालन तुमने क्या किया है। तो क्या कारण हाई कोर्ट लिखेगा कि कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट आ जाए, नया मॉडल बनाया जाए, अभी पूछा नहीं गया है। कब निर्णय का विशेष कारण लिखा जाएगा, अलग से बनाइए, अब अलग से मॉडल बनाइएगा कि निम्नलिखित दशाओं में कारण लिखना आवश्यक है, अलग मॉडल बनाइए, निम्नलिखित दशाओं में निर्णय का कारण लिखना आवश्यक है, मॉडल बना लीजिए भाई, रट्टा मार कर जाइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये गलतियाँ ना हो किसी भी हाल में। अब आइए एक एक करके 3 पॉइंट बना लीजिए। फर्स्ट बना लीजिए कि मृत्युदंड के मामले में विशेष कारण लिखा जाएगा, फर्स्ट बनाइए, तो मृत्युदंड के मामले में विशेष कारण लिखा जाएगा, आपका सेकंड बनाइए, अन्य कारावास के मामले में कारण लिखा जाएगा, अन्य कारावास चाहे आजीवन कारावास या 10 साल 1 साल उससे मतलब नहीं है, कारावास तो कारावास, अन्य कारावास के मामले में कारण लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट बनाइए, यदि किसी अपराध के लिए दंड एक वर्ष या उससे अधिक का हो, यदि किसी अपराध के लिए दंड एक वर्ष या उससे अधिक का हो तथा न्यायालय ने अभियुक्त को 3 मास से कम का दंड दिया हो, तथा न्यायालय ने अभियुक्त को 3 मास से कम का दंड दिया हो, तब कारण लिखा जाएगा। 3 पॉइंट बना लीजिएगा अच्छे से, तब क्या लिखा जाएगा, कारण। अगला पॉइंट पांचवा, ये भाई आपका पांचवा पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, देखिए आपका एक ही सेक्शन में इतना चौथा तो हो गया, चौथे में था नहीं, अब चौथा पॉइंट इसमें नहीं भाई, खंड अब आइए, बेरेक में आइए, वो लिखना नहीं है भाई, लिखना अब नहीं है, आपका 3 बातें थी वो लिखवा दी गई, अब 354 का क्लाज कौन देखना है, आपका 5। यहाँ भी एक केस पूछा जाता है, दीना उर्फ दीन दयाल बनाम भारत संघ, पहले बेरेट की भाषा एक लाइन देखा जाए, वैसे ज़्यादातर लोग पढ़े हुए हैं, ये जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि एक बार बताया जाए। देखिए, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। तो आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना है कि ये कहाँ लिखा गया है कि अभियुक्त को, यानी कि जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, लाजवाज उत्तराखंड में बना बनता ही रहता है, तो 354 का कौन सा क्लाज मार कर आएंगे, 5।
मृत्युदंड पर थोड़ा बहुत आपका सीआरपीसी की कुछ धाराएं कोरिलेट करनी पड़ेंगी। जो जल्लाद मृत्युदंड दिया लटकाया है उसको देखना पड़ेगा। और एक आपका सीआरपीसी की द्वितीय अनुसूची का फार्म नंबर 42 देखना है। पहला मॉडल आपका इसी पर आया जाए। देखिए आपका एक तो जब न्यायालय निर्णय देगा तो निर्णय में ये डायरेक्शन दे देगा, मृत्युदंड देगा कि इस व्यक्ति को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु न हो जाए। तो भारत में मृत्युदंड देने का ढंग कहाँ दिया गया है, मृत्युदंड के निष्पादन का ढंग, मृत्युदंड कैसे दिया जाता है, मेथड पूछ ले तो कौन सा क्लाज मारेंगे, 5 ढंग लिख लीजिए, तरीका ढंग तो कौन सा क्लाज मारेंगे, 5 क्या ढंग है भारत में, जहर पिला देना, गोली मार देना, अंग भंग कर देना कि गर्दन में फांसी लगाकर लटका देना, क्यों लटका देना नहीं स्पष्ट लिखा, कब तक लटकाना, जब तक कि उसकी जब तक वह मर न जाए। ये बात कहाँ लिखी गई है, कई लोग प्रमाण मांगते हैं कि प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण आपका क्या है 354 का कौन सा क्लाज है, 5। ये तो निर्णय में लिखा गया, अब आपका ब्लैक वारंट जारी कराइए, फिर एक बार देखा जाए। देखिए ब्लैक वारंट मतलब काला वारंट, काला वारंट आपका कानून में नहीं लिखा है, कानून में लिखा गया है मृत्युदंड के निष्पादन का वारंट, शुद्ध हिंदी में मृत्युदंड के एग्जीक्यूशन का वारंट, इसी को ब्लैक वारंट, डेथ वारंट, काला वारंट कहते हैं, यानी कि अध्याय अब क्या हो जाएगा, समाप्त। तो ब्लैक वारंट या डेथ वारंट या जो काला वारंट जारी होता है वह सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 42 में दिया गया है, उसका नमूना या मॉडल, मॉडल कहाँ है, प्रारूप, द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या रट कर जाएगा किसमें है, 42 में। वहाँ भी लिखा गया है कि जब डेथ वारंट जारी होगा तो उसमें ये लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति को इस समय इस डेट पर गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया, जेलर को आदेशित किया जाएगा, तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। अब समस्या आई कि ये बात दो जगह मिल गई, एक 354 के क्लाज 5 में भी और द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या किस में, 42 में। अब मॉडल देखिए कैसे बना है, अगर आपका दो, देखिए आपका एक तो 354 का क्लाज 5 दे देता है तब सही है, अगर 354 का क्लाज 5 न रहे और आपका द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42 दे दे और ये लिख दे कैसा है तो वह मारिएगा, दोनों दे दे तो क्या मारेंगे, दोनों, क्योंकि दोनों जगह लिखा है। लेकिन जो एमपी का मॉडल है, दोनों दिया और दोनों में से कहा कि एक बताइए, यानी कि धारा 354 का क्लाज 5 भी दिया और आपका द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या क्या दिया, 42, दोनों में ये बात लिखी गई है। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर सेक्शन और शेड्यूल में कोई एक चुनना हो तो सेक्शन प्रिवेल करेगा, धारा प्रिवेल करेगी और कौन सही माना जाएगा, जो बातें कहाँ लिखी गई हैं धारा में। एक दिमाग में कंसेप्ट बनाइए भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हर एक जगह के लिए यह नियम बना लीजिएगा, अगर सेक्शन या अनुच्छेद में कोई बात लिखी गई है और वही बात या उसके विपरीत बात किसी अनुसूची में लिखी गई है
दोनों में एक चुनना हो कि कौन सही होगा, तो आप हमेशा सेक्शन चुनिएगा, नियम और अनुसूची न चुनिएगा। दोनों में से कितना चुनना हो, एक। जैसे कि उदाहरण दो तीन मैं अच्छा अच्छा बता रहा हूँ। मान लीजिए सीपीसी है, कुछ बातें 158 धाराओं में लिखी गई हैं, कुछ बातें आदेशों में, दोनों में विरोधाभास हो जाए तो कौन प्रिवेल करेगी, धारा की बात की अनुसूची की। सीआरपीसी में दो अनुसूचियां हैं, धारा है, दोनों में टकराव हो जाए तो कौन मान्य होगी, धारा। पुलिस एक्ट में भी अधिनियम है, नियम है, दोनों में टकराव हो तो कौन मान्य होगा, अधिनियम। ये हमेशा काम करेगा। संविधान में भी, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूची और अनुच्छेद में कोई विपरीतता आ गई तो कौन मान्य होगा, अनुच्छेद की बात की अनुसूची की, अनुच्छेद की। ये याद रखिए, उसी तर्ज पर ये भी आपका क्वेश्चन करना है। दो तीन धाराएं और कोरिलेटी जहां होती है मृत्युदंड पर, वैसे बताया गया है आपका, लेकिन तीन चार धाराएं आवश्यक हैं। जो न्यायाधीश मृत्युदंड देता है वह बचाव का हकदार होगा, आईपीसी की धारा 77 में, और जो जल्लाद अपराधी को फांसी पर लटका देता है वह भी बच जाएगा 78 में। तो उत्तराखंड का दो क्वेश्चन तो अभी 5 मिनट में निकल गया। जल्लाद की धारा में बचाव का हकदार होगा 78 आईपीसी, और कहाँ दिया गया फांसी, तो आपका 354 का कौन सा क्लाज, 5, पांचवा में है। अगला देखिए आपका, जब डेथ वारंट जारी होता है तो जेलर के नाम जारी होता है, दो धाराएं और सीआरपीसी का कोरिलेट करिएगा, 413 और 414, 413 और 414 के तहत डेथ वारंट जारी होता है, 414, 413 पुष्टि वाले मामले में और रिवीजन या अपील में मने मामला है तो 414, दो धाराएं पढ़िएगा, 413 और 414। अगला क्वेश्चन, कौन न्यायालय सक्षम है जो मृत्युदंड किसी अभियुक्त को दे सके, ये भी पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट सक्षम है, हाई कोर्ट सक्षम है, सत्र न्यायालय सक्षम है और अपर सत्र न्यायालय सक्षम है, ये चार लोग सक्षम है। कौन कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरा कौन हाई कोर्ट, तीसरा कौन सत्र न्यायालय, और आपका एडिशनल या अपर या अतिरिक्त सत्र न्यायालय, ये चार प्राधिकारी सक्षम है जो किसी व्यक्ति को क्या दे सकते हैं, मृत्युदंड। तो फिर क्वेश्चन बना है यहाँ कि कौन मृत्युदंड देता है तो कहीं पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे, तो कहीं कोई पुष्टि की आवश्यकता नहीं, लेकिन सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय देता है तो हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि आवश्यक है। इसके बाद वाला चैप्टर पुष्टि का चलेगा, आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सोमवार उमार तक हो सकता है आ जाए, 366 से चलेगा जब, तो पुष्टि ही चलेगी। अगला देखिए भाई, खंड 6 देखिए आपका, धारा 117 के अधीन या धारा 138 की उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक आदेश में, और धारा 125, धारा 145, 147 के अधीन दिए गए प्रत्येक आदेश अंतिम आदेश में अवधारण के लिए प्रश्न, उन पर विनिश्चय और उनका कारण लिखा जाएगा, यानी कि आपका भरण पोषण का आदेश दिया गया, नहीं हाँ भरण पोषण का आदेश दिया गया, गारंटी मांगी गई, जल या थल का विवाद निपटाया गया, तो उसमें भी तीन बातें, विवादक तथ्य पर फैसला, और फैसले का क्या लिखा जाएगा, कारण। अब एक क्वेश्चन आपका कोरिलेट करना है सिविल मामलों में, सीपीसी में
आपका कौन सा ऐसा न्यायालय है जिसे निर्णय का कारण देने की आवश्यकता नहीं है? तो जो न्यायालय है, इस्माल काजेज कोर्ट, खफीफा न्यायालय, या बेरक में दिया रहेगा लघुवाद न्यायालय, उसको अलग से लिखिए। सिविल मामलों में, भाई क्रिमिनल में नहीं, अब थोड़ा 354 से हटा दीजिएगा दिमाग। सिविल मामलों में आदेश 20 के नियम 4 के तहत, आदेश को रिलेट करके लिखिए, आर्डर 20 का रूल 4, उसी में दिया है ये। आदेश 20 का नियम 3 के तहत, नहीं 4, 4 के तहत लघुवाद न्यायालय द्वारा, लघुवाद न्यायालय, न्याय इंग्लिश में कहा जाता है, इस्माल काजेज कोर्ट, या आपका कह सकते हैं उर्दू में खफीफा न्यायालय, खफीफा, खलीफा ना कह दीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है आपका, खलीफा ना कह दीजिएगा आपका, मैं बता दूं, लिखिएगा ना ये समझाने के लिए, खफीफा, खफीफा न्यायालय कहा जाता है लघुवाद न्यायालय को उर्दू में। खलीफा अगर कह दिया कोई, खलीफा का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा सरदार, यानी कि कबीले का मुखिया। अरब समाज में जो कबीले के मुखिया होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। चूंकि आपका मोहम्मद पैगंबर साहब, आपका कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के हेड थे, अतः आपका प्रथम खलीफा, माने जो खलीफा का पद था, वो सबसे बड़े धर्मगुरु कह सकते हैं, माने जाते हैं, सरदार माने जाते हैं, मुखिया माने जाते हैं। तो खलीफा का मतलब क्या हुआ? मुखिया। तो वो जब तक थे कोई मुखिया नहीं पैदा हुआ, उनके बाद से तमाम मुखिया हुए, आपका प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, और खलीफा का पद अंत में क्या कर दिया गया? समाप्त। और आपका 1924 में आकर, 24 है ना, आपका समाप्त किया गया। तो आज भी आपका देखिए, कुछ लोग अपने को क्या घोषित कर लेते हैं, खलीफा, जिसे बगदादी था तो अपने को क्या घोषित कर लिया था कि मैं क्या हूँ, खलीफा हूँ, तो अलग बात है, खफीफा लिखिएगा, खलीफा नहीं। इतना बताने का मतलब ये हुआ कि खलीफा नहीं लिखना है, खफीफा। हाँ, देखिए अगला, देखिए भाई आपका वाक्य देखिए, तो हो गया कि नहीं है वाक्य, बोलिए पूरा। तो हाँ, लघुवाद न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही धारा पूरा एक घंटा ले ली। हाँ, मैंने आपका देखिए, लेकिन क्वेश्चन निश्चित एक बनता है इसमें भी, और जितना कोरिलेट बन किया गया, हमें लगता है 2 या 3 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। उत्तराखंड के हिसाब से तो भाई 3 क्वेश्चन बनना चाहिए, अब यूपी के हिसाब से कम 2 तो बन ही जाना चाहिए। देखिए भाई आगे, आपका एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, आपका 354 में इतना बताने के बावजूद भी 354 के क्लाज 5 पर क्वेश्चन बनता है, और वह बनता है कि गर्दन में फांसी लगाकर मृत्युदंड देने का जो ढंग या मेथड या तरीका है, यह किस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल या वैध या सही या उचित माना गया? जो भी क्वेश्चन आए तो आपका जवाब रहेगा केस का दीना उर्फ दीनदयाल बनाम भारत संघ, अलग से लिख लीजिए, दीना उर्फ दीनदयाल। एक क्वेश्चन छूटा था भाई, उसको ही बता दिया जाए, वैसे लेक्चर में हल्का सा बताया गया था, दीना उर्फ दीनदयाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन जेपीओ में, दीना उर्फ दीनदयाल बनाम भारत संघ के वाद में
ये बात किससे संबंधित है? तो मृत्युदंड के, देखिए तरीके से, मृत्युदंड के ढंग से, ढंग माने मेथड, मेथड मतलब तरीका। इसके बाद दूसरा इस पर बनता है कि किस वाद में आपका गर्दन में फांसी लगाकर मृत्युदंड देने के तरीके को सही माना गया? तो आपका दीना उर्फ दीनदयाल बनाम भारत संघ, लिख लिया ना केस। अगला, ये अगला धारा चला जाए भाई, आपका सेक्शन आगे बढ़ाया जाए आपका। इसके बाद जो आपको पढ़ना है, आपका 355 छोड़ दीजिएगा, 355 से क्वेश्चन नहीं बनता, फिर 356 से क्वेश्चन एक लाइन बनता है। पूर्वतन सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश, तो न्यायालय आदेश दे सकता है कुछ अपराधों के लिए, जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को दंडित करता है कि वह सजा काटने के बाद जहां भी रहे अपने पते की सूचना देता रहे। तो समय, वही एक लाइन याद रखना है कि कितने समय, अधिकतम कितने समय के लिए पते की सूचना देने का आदेश दे सकता है। तो दंडादेश की समाप्ति से अगले कितने साल तक के लिए? 5 साल, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पहला खंड का एकदम निचली लाइन पकड़िए, फिर हम बता रहे हैं। क्लाज वन का, 356 का क्लाज वन का जो निचली लाइन है कि जब तुम सजा भुगत लेना, जेल से बाहर निकलना, तो अधिकतम कितने साल तक? 5 साल तक। तुम आप क्या करना, कहाँ रह रहे हो, इसकी सूचना देते रहना, माने कि किसकी सूचना? पते के, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद 357 आ जाइए, फिर आपका क्वेश्चन इधर से शुरू हो जाएगा भाई। देखिए फिर इधर से लगातार क्वेश्चन बनता है, 357, 357A, 357B, 357C, इसके बाद 35 आपका 6 से भी क्वेश्चन बना है, 362 से भी, 365 से भी, यानी कि इधर फिर आपका लगातार क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल 307 को आया है क्या? देखिए कौन हो, देखिए कोई आया हो तो मिल लीजिए भाई। देखिए आपका इधर से लगातार क्वेश्चन बनता है। BHU LLM में पिछली बार जो क्वेश्चन बना था वह 357A से बना था, आपका विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, पीड़ित प्रतिकर योजना, ये बना था। इसमें थोड़ा अंदर जाकर आपका मेंस में भी, पहले तो केवल प्री में बनता था, लेकिन ये क्वेश्चन अब मेंस में भी बनने लगा है, और यूपी में आपका टिप्पणी में बना था कि पीड़ित या आहत प्रतिकर योजना बताइए, तो 357 क या 357A। फिर पिछली बार उत्तराखंड में बना कि पीड़ितों को प्रतिकर न्यायालय किस सेक्शन के तहत दिलवाता है, तो 357, 357। इसके पहले जो उत्तराखंड में आपका क्वेश्चन, इस बार जे में नहीं, इसके पहले वाले जे में बना ही था कि पीड़ितों को प्रतिकर किस सेक्शन में, तो 357 में। पहले भाई कॉन्सेप्ट बनाइए, और जब भी आप 357 पढ़िए, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, तब सेक्शन वाइज चला जाएगा। देखिए जब भी आप 357 पढ़िएगा, तो एक तो धारा 53 पढ़िएगा, मैं फिर बता दूं कौन सी धारा, 53 IPC, भाई CRPC नहीं, कौन सी धारा, IPC 53 हम हल्का सा बताएंगे, फिर CRPC आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है,
421 से, यानी कि तीन एक आईपीसी की धारा और दो सीआरपीसी की धारा से पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करिए, तब आपका 357 शुरू किया जाएगा। देखिए पहला नियम क्या है, सेक्शन 53 में आईपीसी में आपका आईपीसी के तहत किसी अभियुक्त को कौन कौन सी सजाएं दी जा सकती हैं इसका उल्लेख किया गया है। तो बताइए वर्तमान समय में कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है, 5, और जो लास्ट दंड है वह फाइन है, यानी कि जुर्माना है। तो पहले जुर्माना पर आ जाइए, जो फाइन होता है, जुर्माना होता है, या शुद्ध हिंदी में अर्थदंड, अर्थदंड दिया रहे तो घबराना नहीं है, अर्थदंड दिया रहे यानी कि जुर्माना ही है। जुर्माना दंड का एक रूप होता है, अपराधी पर जुर्माना जो लगाया जाता है वह न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा वसूला जाता है, और वसूलने के बाद वह जुर्माना राजकोष में सरकारी खजाने में जमा किया जाता है, और जुर्माना पाती कौन है, सरकार। यानी कि अपराधी पर जो जुर्माना लगाया जाता है, जनरल रूल क्या है कि उसको वसूल कर या वह दे देता है, तो बताइए किसके बयानाधीन होता है, स्टेट गवर्नमेंट के यानी कि राज्य सरकार के, और राज सरकारी खजाने में क्या होता है, राजकोष में जमा, और कौन बयान करता है, राज्य यानी कि सरकार करती है। अब एक उदाहरण पहले आइए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको कि घोर उपहत्य पहुंचाई गई, यानी कि इसका हाथ ही टूट गया था और इसको घोर उपहत बी ने पहुंचाई थी, किसने, बी ने, बी को ग्रेवियस हर्ट के लिए न्यायालय ने दंडित किया और मान लीजिए 5 साल की सजा दी कारावास की और 5,000 रुपया बी पर क्या लगाया, जुर्माना। तो बी से जो जुर्माना वसूला गया वो कहाँ जमा किया गया, राजकोष में, क्या ए को एक पाई मिला कि नहीं, नहीं मिला भाई। यानी कि जो पीड़ित हैं जिसके प्रति अपराध किया गया है उसको जुर्माने की रकम मिली ही नहीं और किसके पास चली गई, सरकार के। अतः न्यायालय को ये विवेकाधिकार दिया गया है कि न्यायालय यदि चाहे, बाध्य नहीं है, फिर हम बताते हैं भाई यहाँ अपवाद भी हैं। अब न्यायालय कुछ दशाओं में बाउंड हो गया है, जैसे कि एसिड अटैक, एक उदाहरण बताता हूँ, जो 326 ए हैं, 326 बी हैं आईपीसी की, एसिड अटैक और उसका प्रयास, एसिड अटैक आपका 326 को, उसका प्रयास आपका 326 बी, इसमें जो जुर्माना लगाया जाएगा वह पूरा जुर्माना पीड़ित को प्रतिकर के रूप में क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन आज भी जनरल रूल ये हैं कि जुर्माने की रकम कहाँ जमा होती है, किसके बयानाधीन होती है, सरकार के। फिर अब बैक होइए, अब आप ये कहेंगे कि भाई जिसके प्रति अपराध किया गया यानी कि जो आहत हैं, जो पीड़ित हैं, विक्टिम है, यानी कि जिसके प्रति अपराध किया गया, तो किसका हाथ इस उदाहरण में तोड़ा गया था, ए का, तो ए को तो कुछ नहीं मिला और जुर्माने की रकम कौन ले ली, सरकार। अतः 357 के तहत, अब कॉन्सेप्ट बना लीजिए तब बैरक शुरू करते हैं, 357 सीआरपीसी के तहत न्यायालय को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि न्यायालय किसी अपराधी पर जब जुर्माना लगाता है तो जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ भाग, कंपनसेशन, प्रतिकर के रूप में
पीड़ित को दिए जाने का आदेश दे सकता है। यानी कि इस उदाहरण में यदि जिस न्यायालय ने बी को ग्रीवियस हर्ट के लिए दंडित किया है और बी पर कितना जुर्माना लगाया है 5,000, तो न्यायालय चाहे तो निर्णय में आदेश दे सकता है कि ये 5,000 की पूरी रकम ए को किस रूप में दिया जाए, प्रतिकर, तब सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, या 5,000 में से कुछ रकम, तो 2,500 किसको दिया जाए, ए को, तो ए को जुर्माने की रकम किस रूप में दी जाएगी, कंपनसेशन, मुआवजा, प्रतिकर। क्या न्यायालय बाध्य है कि दिलवाने के लिए कि विवेकाधिकार, चाहे दिलवाए या न दिलवाए, क्योंकि विवेकाधिकार था तो कुछ अपराधों में बाध्यकारी हो गया है। उसका हमें एक उदाहरण बताया, कौन सा, एसिड अटैक। तो पीड़ितों को प्रतिकर किस धारा में दिलवाया जाता है, 357। अब आपका अब एक और कंसेप्ट बनाइए। मान लीजिए कि इसी उदाहरण को थोड़ा कंसेप्चुअल तब बेरक शुरू किया जाए, एक और कंसेप्ट बचा है। मान लीजिए कि बी ने अपराध किया था, घोर उपहत्या को की थी, 5 साल की सजा दी गई और 5,000 रुपया बी पर जुर्माना लगाया गया और कहा गया कि जो बी से जुर्माना वसूला जाएगा वह पूरा जुर्माना ए को, यानी कि जिसके प्रति क्या किया गया है अपराध, उसको किस रूप में दिया जाएगा, प्रतिकर। न्यायालय ने आदेश दिया, बी जुर्माना नहीं देता है, तो मैं आईपीसी में बताया था कि जुर्माना न देने पर बी एक्स्ट्रा कारावास के दंड का क्या होगा, आगे तो 5,000 रुपया बी नहीं दिया और कुछ दिन जेल में बिताया, फिर छूट गया, तो समस्या ये आई कि क्या छूटने के बाद, क्योंकि जुर्माना न देने के कारण वह एक्स्ट्रा जेल व्यतीत कर चुका है, तो क्या छूटने के बाद पुनः जुर्माना वसूला जाएगा कि नहीं, सामान्यतः नहीं, याद करके जाएगा, जनरली अब जुर्माना नहीं वसूला जाएगा, लेकिन इसके दो अपवाद हैं, वहीं प्री में पूछे जाते हैं, और अच्छे से याद रखिए ये कहाँ जाएगा मामला, तो सीआरपीसी की धारा में 421। फिर एक बार याद रखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर आपका पूछा जाता है। सामान्य नियम यह है कि जब अभियुक्त अपराधी जुर्माना नहीं दिया, न देने के कारण एक्स्ट्रा जेल भुगता, तो सामान्यतः अब जुर्माना वसूला नहीं जाएगा, लेकिन दो इसके अपवाद हैं, जहां की जेल भुगतने के बाद भी जुर्माना न देने के कारण जेल भुगता, उसके बावजूद भी जुर्माना वसूला जाएगा, तो दो अपवाद याद करके जाइएगा। पहला, मजिस्ट्रेट विशेष कारण लिख दे, तो अभी आपने देखा विशेष कारण किस में लिखा जाएगा, 354 में, मृत्युदंड की आजीवन कारावास में, मृत्युदंड में, तो मजिस्ट्रेट स्पेशल रीजन लिखे, तब वसूली हो सकती है। और दूसरा, यदि न्यायालय ने जुर्माने की पूरी रकम या कुछ रकम 357 के तहत पीड़ित को, आहत को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का क्या दिया हो आदेश, तो भले जेल भुगत लिए हैं जुर्माना न देने के कारण, जुर्माना क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा, तो कितनी कंडीशन में, दो। आगे अभी चलेगा तो और डिटेल में चलेगा, फिर बैक होइए। अब पीड़ित शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, तो विक्टिम पिछली बार आपका पूछा भी गया था, उत्तराखंड में, बिहार में भी बना था, बिहार में पीड़ित न देकर आहत देता है, आहत की परिभाषा की धारा में उत्तराखंड फंसा दिया कि कौन सही नहीं है, ऐसे लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, 4 ऑप्शन दिया और हल्का सा जो मिस किया, तो आहत की जो परिभाषा है 2W में नहीं, 2W में तो समन मामला है, तो 2WA क्या जोड़ देंगे, ए, तो आहत की परिभाषा किस धारा में दी गई है, सीआरपीसी के 2WA में,
पीड़ित विक्टिम, विक्टिम एमपी में जो बना, विक्टिम कौन होगा तो जिसे क्षति हुई है उसका उत्तराधिकारी और उसका संरक्षक तीनों क्या होंगे, विक्टिम जिसे क्षति पहुंची, अगर वह मर गया तो जो उसके उत्तराधिकारी बाल बच्चे हैं वो भी पीड़ित, और बाल बच्चे भले न हो जो माता पिता बाबा दादा हैं क्या वह पीड़ित माने जाएंगे कि नहीं, माने जाएंगे, उत्तराधिकारी भी और जो ऊपर की पीढ़ी है वह भी, गार्जियन भी भाई पीड़ित माना जाएगा, ये नहीं कि केवल किस जिसके प्रति अपराध हुआ है, उपर्युक्त सभी मार कर आ जाना है, उपर्युक्त क्या मारेंगे एमपी के मॉडल के अनुसार सभी। तो इन्हीं पीड़ितों को प्रतिकर अब कंसेप्ट बन चुका है, बैरेट में कोई दम नहीं है, देखिए बैरेट की भाषा, पहला प्रतिकर देने का आदेश 357 याद रखिए भाई, प्रतिकर देने का आदेश या प्रतिकर पीड़ितों को प्रतिकर किस धारा के तहत दिया जाता है 357 जो मॉडल उत्तराखंड का है, बेरक देखिए, जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश देता है जिसमें फांसी की भी सजा है जिसका भाग जुर्माना है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन यानी कि एडजस्टमेंट किसमें किया जाए, तो अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्यय को चुकाने में यानी कि सरकार ने मुकदमा चलाने में जितना खर्चा किया है खर्चा में किया जाए, जुर्माने की रकम किसमें लगाई जाए, अभियोजन के खर्चे में, ये आदेश देगा तब होगा। दूसरा देखिए, किसी व्यक्ति को जो उस अपराध द्वारा हुई हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता था, यानी कि जिसको चोट पहुंची है, जिसके प्रति अपराध किया गया है, ये जुर्माना उसको किस रूप में दिया जाए, प्रतिकर के रूप में, अगर वह सिविल न्यायालय में इस कार्य के लिए क्या वसूल सकता था, प्रतिकर मुकदमा करके सिविल सूट। तीसरा देखिए, उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या ऐसे अपराध के किए जाने के दुष्प्रेरण करने के लिए सजा पाता है, तो उन व्यक्तियों को जो ऐसे मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दंडाधिष्ट व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत हकदार हैं, प्रतिकर जुर्माने की रकम उनको किस रूप में दिया जाए, प्रतिकर के रूप में। और इसके बाद चोरी इत्यादि हैं तो वहाँ भी आपका क्या दिलवा सकता है न्यायालय, कंपनसेशन आपका दिलवा सकता है। अगला देखिए आपका 357, इतना ही पढ़ना रहता है, अंदर से कभी पूछा नहीं गया है। इसके बाद 357A आइए, 357A, पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम या पीड़ित प्रतिकर योजना, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम या आहत प्रतिकर योजना, तीन चार नाम हम बता रहे हैं, पीड़ित प्रतिकर योजना, आहत प्रतिकर योजना इंग्लिश में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम किस सेक्शन में है, कई बार तो डायरेक्ट सेक्शन ही पूछा गया है, तो 357 क्या मार कर आएंगे, ए पीड़ितों को प्रतिकर दिलवाया जाएगा, इसके लिए आपका समिति बनेगी, समिति निर्धारित करेगी, तो आपका BHU LLM में आया कि पीड़ितों को प्रतिकर दिलवाने के लिए प्रतिकर का निर्धारण कौन करता है, तो आपका कौन करता है ये क्वेश्चन आपका BHU LLM में अंदर से आया था, तो कौन करता है पीड़ितों को कितना प्रतिकर दिया जाए, तो बेरेक देखिए तब हम निकालेंगे, राज्य सरकार नहीं भाई, राज्य सरकार देती है लेकिन रिकमेंड कौन करता है, देती कौन है, देती कौन है में अलग आ जाएगा,
लेकिन निर्धारित कौन करता है मैं अलग। फिर एक बार समझिए, प्रतिकर देगी जो पीड़ित है यानी कि जिसके प्रति अपराध हुआ है सरकार ही देगी, लेकिन निर्धारण सरकार नहीं करती। निर्धारण कौन करेगा? तो बेयर एक्ट पहले देखिए, तब दो ही क्वेश्चन बनते हैं, तीन क्वेश्चन। सेक्शन याद रखना, निर्धारण कौन करेगा और कौन देगी। तो देखिए बेयर एक्ट की भाषा भाई, कब जोड़ा गया, कभी काल पूछ लिया जाता है, उसको लिख लीजिए 2008 में, और 31/12/2009 से लागू है यानी कि 31 दिसंबर 2009 से इसे क्या किया गया है लागू, कभी काल पूछ लिया जाता है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अंदर से अब आने लगे हैं। पहले तो भाई हम भी एक लाइन बता के, मेंस में भी आया था, मेंस में भी यही लिखना है। जब भी मेंस में लिखिए तो पहले आहत को दिखाइएगा, आहत मतलब पीड़ित। तो फिर एक बार बताइए, पीड़ित या आहत या विक्टिम को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो सीआरपीसी की धारा, अब रट्टा मार कर जाइए, 2WA। पीड़ित में कौन शामिल है? जिसे जिसके प्रति अपराध किया गया है, उसके उत्तराधिकारी, उसके संरक्षक, उपर्युक्त सभी। तो क्या बताया गया? तो इन्हीं लोगों को क्या दिलवाया जाएगा? प्रतिकर। अब देखिए बेहर की भाषा, प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर ऐसे पीड़ित या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के उद्देश्य के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी, यानी कि राज्य सरकार करेगी। किससे मिलकर तैयार करेगी? केंद्र सरकार से। तो निधि उपलब्ध कैसे होगी? तो राज्य सरकार मिलकर, किससे मिलकर? केंद्र सरकार से। क्या फंड बनाएगी? निधि मतलब क्या हुआ? कोष, फंड। अगला देखे, जब कभी भी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा। यही BHULLM में पूछा गया था कि प्रतिकर की मात्रा कितनी दी जाए, इसका निर्धारण कौन करता है? तो विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। जिला स्तर का मामला है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण। फिर एक बार याद रखिए इसको, तो दोबारा, प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? भाई गलत ना हो आपका, कौन करता है? तो किसका नाम दिया गया है? सरकार का कि विधिक प्राधिकरण का? तो कौन विधिक प्राधिकरण? राज्य विधिक प्राधिकरण या जिला विधिक प्राधिकरण मात्रा, लेकिन देगा कौन? तो जो राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के परामर्श से क्या बनाई है, फंड, उसी में से दिया जाएगा। आगे पढ़िए अभी। तो ये तो निश्चित हो गया कि निर्धारित कौन करता है, तो ये गलत ना हो निर्धारित। अगला देखिए तीसरा, यदि विचारण न्यायालय का विचारण की समाप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, वहाँ जहाँ मामले दोष मुक्ति या उन्मोचन पर समाप्त हो जाते हैं और पीड़ित को पुनर्वास करना है, वहाँ वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा, तो न्यायालय निर्धारित तो नहीं करेगा लेकिन सिफारिश कर सकेगा कि अभियुक्त दोष मुक्त हो गया है, उन्मोचित हो गया है साक्ष्य के अभाव के कारण, लेकिन पीड़ित का पुनर्वास जरूरी है, अतः पीड़ित के लिए प्रतिकर का निर्धारण किया जाए। केवल प्राधिकरण से ये क्या कर सकता है, मैंने सिफारिश कि जो राज्य या जिला विधिक प्राधिकरण है वो प्रतिकर का निर्धारण करे, राज्य सरकार को भेजे
और राज्य सरकार इनको क्या दे पीड़ितों को, तो बताएं न्यायालय दिलवा देगा कि केवल सिफारिश कर सकेगा? दिलवा नहीं सकेगा भाई। अगला देखिए, जहां अपराधी का पता नहीं चला है, तो आपका जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है, क्या उसकी पहचान नहीं हो पाती है किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है, और जहां कोई विचारण नहीं होता वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रत कर दिए जाने के लिए या तो राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास क्या दे सकते हैं एप्लीकेशन? भाई क्या दे सकते हैं कि हमारे प्रति अपराध हुआ, कौन अपराध किया अता पता नहीं है, अपराधी गायब हो गया मिला ही नहीं, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया और रात तक पाया गया कि नहीं, तो हमें क्या दिलवाया जाए? भले अपराधी न मिला हो हमें क्या दिलवाया जाए मुआवजा। अगला देखिए, खंड 5 उपधारा 4 के अधीन ऐसी सिफारिशों या आवेदन प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उचित जांच के पश्चात 2 मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्धारित करेगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जब आवेदन दिया जाता है क्या न्यायालय सिफारिश करता है प्राधिकरण को, तो प्राधिकरण कितने दिनों के अंदर ये डिसाइड कर ले कि प्रतिकर दिया जाए कि न दिया जाए? 2 मास, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कितने महीने के अंदर? तो जहाँ जहाँ 2 मास का समय है कोरलेट करके लिख लीजिए, पिछली बार आया था जे में आपका, अगर शिशु के साथ दुराचार का मामला है तो अन्वेषण कितने दिनों में, 173(1)(a) में सीआरपीसी के पूरा किया जाएगा, 2 माह। अब विचारण कितने दिन के अंदर, 6 माह शायद विचारण में, देखिए विचारण आपका याद नहीं आ रहा है भाई, नहीं अन्वेषण तो आपका 2 माह है, पहले 3 मास था, अब कितना कर दिया गया है जे में आया था, ये ट्रायल आपका कहाँ था, किस सेक्शन में आपका विचारण 6 माह की कितना है कि 3 माह याद नहीं आ रहा है भाई। एक बार उसमें देखिए 309 में, तो भाई नए बेयर एक्ट में देखिएगा, पूरा संशोधन हुआ है। नए बेयर एक्ट में देखिए तो थोड़ा 309 धारा 309 में है 2 माह पर, याद रखे शिशु के साथ दुराचार के मामले में विचारण कितने दिन के अंदर, 2 मास। वैसे सामान्यतः 6 माह है, अगर वयस्क महिला है तो 6 मास में पूरा किए जाने का प्रयास किया जाएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, 2 मास वहाँ भी यहाँ भी, अन्वेषण भी 2 मास के अंदर और विचार 2 ही मास है ना? हाँ वही, अब वही दुराचार का ही तो मामला है, वही हो गया आपका, मैंने एक लाइन में हो गया, उतना खंड वाइज और धारा नहीं देखना है, एक लाइन बस जानना है, बताइए। क्या नहीं, तो आरोप पत्र जब दायर हो गया उसके 2 माह के अंदर विचारण पूरा किया जाएगा, यही लिखा है ना? तो ठीक तो है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जांच या विचारण, जांचो लिख यानी कि संज्ञान भी ले लिया जाएगा, विचारण भी हो जाएगा, फैसला भी आ जाएगा, कितने माह के अंदर, 2 माह, जब 173(2) के तहत पुलिस ने क्या भेजी है रिपोर्ट, यानी कि जब न्यायालय 173(2) के तहत पुलिस ने चार्जशीट भेजा उसके 2 माह के अंदर जांच और विचारण क्या किया जाएगा कंप्लीट, तो कोई समस्या नहीं है। अन्वेषण भी 2 माह के अंदर, जब FIR दर्ज किया गया, जब थाने के भार साधक अधिकारी को दुराशिष के साथ दुराचार की सूचना दी गई, तो वह उसके कितने दिनों के अंदर
अन्वेषण वह पूरा कर ले 2 मास, और विचारण भी कितना है 2 मास, दोनों दो दो मास है भाई। एक जाएगा 173(1)(a) अन्वेषण, और जांच विचारण जाएगा 309। अलग अलग सेक्शन है, एक फिर एक बार हम बता रहे हैं, विवेचना करनी है तो भी 2 माह सूचना प्राप्ति की तारीख से, और वह 173(1)(a) पिछली बार जे में आया था, और अगर विचारण करना है शिष्य का मामला है तो वह भी आपका 2 मास के अंदर, लेकिन कब से, तो आपका चार्जशीट भेजने के बाद से, चार्जशीट है ना, आरोप पत्र दाखिल करने, मैंने 173(2) में जब पुलिस ने चार्जशीट या आरोप पत्र भेज दिया उसके कितने मास के अंदर 2 मास, दोनों में दो दो मास हैं, सेम याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, बना भी है पिछली बार ही, जे में बना है, बन क्या सकता है, ये क्वेश्चन तो बना ही है पिछली बार। आइए अगला देखा जाए भाई आपका, इसमें आपका 357(a) का छठवां खंड देखिए, यथास्थिति राज्य या विधिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित को यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर निःशुल्क, आपका प्रमाण पत्र पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली प्रथम सहायता सुविधा या चिकित्सा सुविधाएं या अन्य कोई अंतरिम अनुतोष जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश दे सकता है, यानी कि पुलिस को या मजिस्ट्रेट को कह सकता है ये प्राधिकरण कि भाई तुरंत इसकी क्या कराइए, मेडिकल जांच इत्यादि कराइए, तुरंत कुछ क्या करिए, राहत दीजिए ताकि भूखे न मरे। तो 357(b) आ जाइए आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 से 376(a)(a)(b), 376(d), धारा 376(gh)(d), इसके बाद मैंने इसमें ये हैं कि जो पीड़ित को प्रतिकर दिया जाएगा कुछ अपराधों में वह जुर्माने के क्या होगा अतिरिक्त, अंदर से पूछ सकता है भाई, बताना पड़ेगा सभी धाराएं, सोमवार को बताया जाए, क्योंकि वो धाराएं हमें भी याद नहीं है कि क्या क्या है दुराचार के मामलों में, क्योंकि अंदर से पूछ सकता है आपका, तो यहाँ भी थोड़ा उल्टा नियम चलेगा 357 का। इसके बाद 358 से भी क्वेश्चन बना है, 59 से भी, 60 से भी, कौन छोड़ा जाए, यानी कि इधर सभी क्वेश्चन बने भाई, 358 भी बना है, 359 भी, 360 भी, फिर 362 भी पिछली बार बना, 365, यानी कि कोई धारा ऐसी नहीं है जो शॉर्टकट में निकाल दिया जाए। तो कल भाई टेस्ट होगा।